अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आल न्यूज़ ऑफिशियल में आपको खुशामदीद कहती हूँ। मोहतरम नाज़रीन, आज की बड़ी खबर सामने आ गई। अमेरिका की खुफिया एजेंसी को इत्तला मिली है कि ईरान एटमी हमला करने वाला है। मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिका की तमाम अफवाज हाई अलर्ट कर दी गई हैं। वीडियो की तफसील में जाने से पहले नए आने वाले अहबाब से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें ताकि नई आने वाली अपडेट्स आपको मिलती रहें। मोहतरम नाज़रीन, ईरानी सदर का बड़ा फैसला, मिडिल ईस्ट में मौजूद अमरीका की फौजी अड्डों को एटमी मिसाइल से तबाह करने का ऐलान। अमेरिका को इस हमले की इतला अमेरिका की खुफिया एजेंसीज ने दी है। एजेंसीज के मुताबिक ईरान तकरीबन 24 मुकाम पर हमला कर सकता है जहां अमेरिकी और नेटो अफवाज मौजूद हैं। नाज़रीन, इस खबर के बाद अमेरिका ने अपनी अफवाज को हाई अलर्ट कर दिया। हमला कब किस वक्त होगा ये कंफर्म नहीं, मगर सिक्योरिटी एजेंसियों ने अमेरिकी सदर को खबरदार कर दिया है। नाज़रीन, अगर ऐसा हुआ तो तीसरी आलमी जंग का बाकायदा आगाज हो सकता है और फिर ये दुनिया के लिए अच्छी बात नहीं होगी, क्योंकि इस वक्त अमेरिका के अलावा और भी बहुत से ममालिक ताकतवर हो चुके हैं और इस बार जंग आर या पार की बुनियाद पर ही होगी। नाज़रीन, अमेरिका और नेटो फौज मिडिल ईस्ट के 24 मुख्तलिफ मुकाम पर मौजूद हैं, जिनको ईरान किसी भी वक्त एटमी मिसाइल से तबाह कर सकता है। इसलिए अमेरिका में तशवीश की लहर दौड़ गई है और इसने इन अफवाज की सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी है। नाज़रीन, मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आने पर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर दीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगेबान।